आज हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ चीजें बताने जा रहे हैं। तो गांव में जो अफवाह चल रही है तुम लोगों के कि कुछ लोग घूम रहे हैं, लेडीज घूम रही हैं बच्चों को किडनैप करने वाली, इस तरह की है। तो ये डर के केयरलेस नहीं होना है, किसी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। कैसे रखना है? पहला नियम ध्यान से सुनो, किसी भी अजनबी से बात नहीं करोगे। अजनबी कौन होता है? जो कि हमारे परिवार का या हमारे गांव का सदस्य नहीं होता है, हमारा परिचित नहीं होता है, जिसे ना हम जानते हैं ना हमारे मम्मी पापा जानते हैं, वो हमारे लिए कौन है? अजनबी। ठीक है, तो पहला नियम है डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी से बात नहीं करोगे। दूसरा सेफ्टी रूल, किसी भी अजनबी से कोई खाने की चीज नहीं लोगे। ठीक है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज दे, टॉफी दे, कुछ तुम्हारे मन पसंद का दे, कुछ भी दे। ठीक है, किसी भी स्ट्रेंजर से क्या करना है, कोई भी खाने या पीने की चीज नहीं लेनी है, सिर्फ जो तुम्हारा जानने वाला है उसी से ले सकते हो। ठीक है, और अगर जानने वाला भी देता है तो उस समय तुरंत मत खाओ, घर आके मम्मी या पापा को बता के खाओ कि ये हमें उन वाले अंकल ने दिए, उन वाली आंटी ने दिए, तब खाओ। ठीक है, दूसरा सेफ्टी रूल ये, बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तीसरा है, कोई भी अगर तुमसे ये कहता है कि हमें तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा, हमारे साथ चलो, ठीक है, हम तुम्हें घर ले जाएंगे, तो जाओगे उसके साथ? चाहे वो कितना ही कहता रहे, अगर कोई तुमसे आकर ये कहे अरे बेटा धूप में कहाँ पैदल जा रही हो, लाओ गाड़ी से छोड़ दे, है? अजनबी लोग इसी तरह से बच्चों को अपनी बातों में उलझाते हैं, है ना? तो अगर कोई भी अजनबी जिसे तुम जानती नहीं हो अगर तुमसे आके गए कि चलो हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारे मम्मी ने भेजा है, पापा ने भेजा है, या और भी किसी का नाम ले, तो जाओगे अगर जानते नहीं हो तो? बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, और अगर वो अजनबी तुम्हें जबरदस्ती कोशिश करता है कि अपनी गाड़ी में बैठा लेने की, तो क्या करोगे उस केस में? नहीं, तुम इतने छोटे हो मार ही नहीं सकते उसे। तुम किसी बड़े आदमी का मुकाबला कर सकते हो? तुम छोटे बच्चे हो। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई अजनबी तुम्हारा रास्ता रोकता है, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है कि चलो हमारे साथ चलो, तो इस केस में तुम्हें शोर मचा देना है। क्या करना है? जितना ज्यादा तेज शोर मचाओगे लोग इकट्ठे होंगे, तो तुम तो उससे फाइट नहीं कर सकते एक बड़े आदमी के साथ, पर जो लोग इकट्ठे होंगे वो तो कर सकते हैं ना, है ना? जो अंकल आंटी और आएंगे वो तो इकट्ठे हो गए, उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी सुरक्षा के लिए और क्या क्या कर सकते हो? अपने आसपास की चीजों को एज अ वेपन यूज कर सकते हो तुम। कैसे? तुम्हारे बैग में ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, बताओ। जैसे सभी के पास पेन पेंसिल रहती है, सभी के बैग में रहती है, और तुम्हें पता है तुम्हारे बैग में पेन या पेंसिल कहाँ रखी है, पता रहता है ना? हाँ, क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? चुपके से अपने बैग में से पेन या पेंसिल निकालो, उसकी नोक हमेशा होती है, तेज होती है, नुकीली, उससे तुम जैसे कोई किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम उस पेंसिल को ऐसे हाथ पे मार के अपना हाथ छुड़ा के भाग सकते हो। जो भी तुम्हारे पास चीज है उनको अस्त्र की तरह यूज कर सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो, है ना? तुम्हारा मेन चीज क्या है? तुम्हें वहां से उस समय भाग जाना है, रुकना नहीं है। अगर किसी भी स्ट्रेंजर से तुम्हारा पाला पड़ता है, कोई तुम्हें जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, भेजने की ले जाने की कोशिश करता है, तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, पेंसिल निकाल के ऐसे उसने मार के, जैसे उसने हाथ से पकड़ा है तो हमने कैसे बताया? हाथ से ही मार के, तो वो एकदम से गटगटाएगा, छोड़ देगा तुम्हारा हाथ, तो तुम्हें मौका मिलेगा सीधे भाग जाओ, बाहर रुकना ही नहीं है। बैग गिर जाए, कॉपी गिर जाए, पेंसिल गिर जाए, छोड़ के भाग जाओ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी जान, है ना? बैग दोबारा आ जाएगा, कॉपी पेंसिल दोबारा आ जाएगी, लेकिन जान वापस आ सकती है, है ना? तो सबसे पहली चीज क्या है, क्या बचाना है तुम्हें? अपने आप को बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, मानो अगर तुम्हें इतना मौका नहीं मिल रहा है कि तुम अपना बैग की चैन खोल के पेन या पेंसिल निकाल पा रहे हो, तो तुम अपने आसपास देखोगे। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं रेता या सूखी मिट्टी मिल जाए, तो तुम वो उठा के क्या कर सकते हो? आंख में डाल सकते हो, है ना? आंख
में डाल सकते हो, उससे क्या होगा ना, जो भी अजनबी होगा जो तुम्हें मतलब ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, उसके क्या होगा, 2 मिनट के लिए आंखें उसकी बंद हो जाएंगी, वो उसकी आंखें में जब धूल गिर जाएगी तो वो अपनी आंखें ऐसे संभाले ना, उसमें 1 या 2 मिनट का तुम्हें समय मिल जाएगा, इतनी देर में तुम भाग सकते हो वहां से अपनी जान बचाते। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? हाँ, तो अपने आसपास की चीजों से ढूंढना कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। दूसरी चीज ये, मिट्टी उठा के आंख में डाल सकते हो, है ना। तीसरी चीज, अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हें मिट्टी दिख रही है, ना तुम्हारे बैग में पेन पेंसिल है, और ना तुम्हें कोई ऐसी चीज दिख रही है जो कि तुम मार सको, तो क्या करोगे बताओ। भगवान ने मुंह में दांत दिए हैं, इसको तुम एज अ औजार, एज अ वेपन यूज कर सकते हो। किसी अजनबी ने मानो तुम्हारा ऐसे हाथ पकड़ा है और वो छोड़ नहीं रहा, उसमें कस के, तो क्या काट लो उसके, यहाँ कट करोगे जोर से तो वो एकदम छोड़ देगा और तुम्हें मौका मिल जाएगा वहां से निकलने का। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें बता रही हूँ और ये तुम्हारे कब काम आएगी, जब कभी तुम मुसीबत में फंस जाओगे तो तुम्हें मैडम की याद आएगी। हमें याद कर लेना कि मैडम ये सिखा के गई थी हमें। घर पे किसी ने बताई ये सब चीजें, तो हमारा तो फर्ज है ना कि तो हमारे भी बच्चे हो, है हमारा किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो हमें भी होगी, तो हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए। क्या बताया, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इस कंडीशन में, तुम्हें क्या करना है, तेजी से काट के भाग सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो कि ग्रुप बना के चलो, 4-4, 5-5 बच्चे इकट्ठे होके आओ, अकेले मत आओ। ठीक है, अकेला बच्चा देख के लोगों की नींद खराब होती है, सोचते हैं कि इसे पकड़ के ले जाए, भाग के ले जाए, है ना। पर जब आप लोग ग्रुप में होंगे 4-5 बच्चों को, तो अगर मान लो कोई बाइक से आ रहा है तो 4 बच्चे एक साथ नहीं बैठा सकता ना, वो है ना, एक अकेले को बैठा लेगा। तो ग्रुप में होने का ये फायदा है कि तुम्हें सुरक्षा ज्यादा रहती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ग्रुप बना के चलो। अगर तुम ऐसी स्थिति में फंस गए हो कभी, जैसे रात में कहीं फंस जाओ, मानो कहीं से आ रहे हो किसी दूसरे शहर से, रात में कहीं फंस जाओ, तुम्हें कुछ संदिग्ध लोग दिखे जो जिन्हें लगे कि तुम ये कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो, ठीक है, इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना एटीएम में हमेशा गार्ड होता है एक बैठा हुआ, और सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर तुम्हें लगे तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है ना, तो क्या करोगे, अगर तुम्हें आसपास कोई एटीएम दिखे तो तुरंत वहां चले जाना। जो भी पीछा कर रहा है अगर वो तुम्हारे पीछे आता है तो उसकी फोटो कहाँ कैप्चर हो जाएगी, कैमरे में, ठीक है ना। और फिर अगर वो तुम्हें नुकसान, पहले तो कोई नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एटीएम में कैमरे लगे होते हैं जिनमें रिकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो पहले तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा जो भी पीछा कर रहा होगा, और नहीं छोड़ता है इनके, तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाता तो सारी घटना कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, कैमरे में, जिससे कि वो आराम से पकड़ाई में आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम जा रहे हो रास्ते में, तुम्हें कोई छोटा बच्चा रोता हुआ मिले, वो तुमसे कहे कि मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, मुझे मेरे मम्मी पापा पास पहुंचा दो, तो हमेशा कभी भी उस बच्चे को लेके ना तो अपने घर जाओगे ना और किसी के पास जाओगे। ठीक है, कहाँ जाओगे, पुलिस स्टेशन, नहीं जा सकते तुम लोग बच्चे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, किसी अंकल या आंटी से फोन करवाओगे पुलिस स्टेशन के लिए। ठीक है, हमारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर का क्या है, कितने पे डायल करोगे, 112 नंबर पे डायल करोगे। ठीक है, किस नंबर पे डायल करना है पुलिस को कॉल करने के लिए, 112 नंबर पे, किसी कोई पास में अंकल दिखे, आजकल सबके पास फोन होता है ज्यादातर सबके पास, तुम्हें सड़क पे कोई आंटी अंकल दिखे तो उससे कहना कि आप पुलिस को कॉल करें, उस बच्चे को कहाँ ले जाओगे, पुलिस के पास छोड़ोगे, पुलिस खुद उसका एड्रेस ढूंढ के उसको अपने घर पहुंचा देगा। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया है, वो पता है क्या करते हैं, बच्चा एक बैठा दिया, ठीक है, उसे समझा दिया कि ऐसे बोलना है, कोई आपसे पूछे, बच्चा किसी को भी देख के रोने लगता है, फिर कहता है कि मुझे जो मेरे मम्मी पापा पास पहुंचा दो। अगर हम उससे एड्रेस पूछते हैं तो वो हमें किसी सुनसान जगह ले जाता है जहाँ पे कि पहले से कुछ लोग होते हैं जो पकड़ के किडनैप कर लेते हैं, इस तरह के केसेस में। तो बच्चे को लेके कोई भी किसी को भी मिलता है, आपके मम्मी पापा को भी कोई छोटा बच्चा मिलता है रोता हुआ, तो उसे ना तो अपने घर ले जाओगे, ना किसी दूसरे के घर ले जाओगे, ना पुलिस का एड्रेस ढूंढोगे। ये काम किसका है, हमारी पुलिस का। तो इस केस में हमें 112 नंबर डायल करके पुलिस
होशियार रहना, जितना होशियार रहोगे। अब स्कूल जाना आना तो छोड़ नहीं सकते, पढ़ाई थोड़ी छोड़ दोगे। तो इससे सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने आप में आप अवेयर हो जाओ, अपने आप में सचेत हो जाओ कि हमें किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में किस कैसे मुकाबला करना है ना। डर निकाल दो बिल्कुल अपने अंदर से, बिल्कुल घबराना नहीं है। डर जो होता है वो हमें कमजोर करता है ना, डर हमें कमजोर करता है ना। हमारी बुद्धि जो है, जो दिमाग में सोचने समझने की क्षमता होती है, उसे भी खत्म कर देता है। अगर हम डरेंगे ना तो हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। दूसरे अंकल आंटी है, गंदे अंकल आंटी है, पकड़ के ले जाएंगे तो तुम ना चिल्ला पाओगे ना चीख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर देगा डर के मारे। इसलिए डरना नहीं है, किसी भी सिचुएशन का बहादुरी से मुकाबला करना है, ठीक है। अपने बैग में तुम कुछ इस तरह के भी वेपन रख सकते हो, जैसे ब्लेड रख सकते हो, है ना, ब्लेड रख सकते हो, और छोटा चाकू रख सकते हो, और लाल मिर्च का पाउडर रख सकते हो। ये तुम्हारी ऐसी सिचुएशन में बहुत हेल्प करेगा। लाल मिर्च का पाउडर सबके घर में होता है, एक छोटी डब्बी में अपने बैग में डाल लो, सिर्फ तुम्हें ही को पता है कि वो लाल मिर्च का पाउडर तुम्हारे पास है, किसी स्ट्रेंजर या अजनबी को तो नहीं पता ना, तुम्हें पता है तुम ही तो निकाल सकते हो उसको। तो ये सब चीजें तुम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख सकते हो अपने बैग में, है ना। नमक रख सकते हो, ये ऐसी चीजें बता रही हूँ जो सभी बच्चों के घर में मिल जाएंगी, है ना। नमक रख सकते हो, नमक भी आंखों में जाके जलता है। अपनी सुरक्षा के लिए ये कुछ छोटी छोटी चीजें तो अपने बैग में कैरी कर सकते हो डेली। ब्लेड तुम्हारा किस सिचुएशन में काम आएगा, ब्लेड या चाकू अगर है तुम्हारे पास, अगर मान लो किसी स्ट्रेंजर ने तुम्हारे हाथ के रस्से इससे बांध दिए हैं, तो तुम कैसे भी करके मतलब अपना बैग की चैन मुंह से खोल के जब सिचुएशन आती है ना, तो तुम्हें हर तरीके से प्रयास करना चाहिए। बैग की चैन मुंह से खोल सकते हो, माना तुम्हारे हाथ बंद है तो तुम धीरे से बैग उठा के चैन मुंह से खोल सकते हो, है। हर तरह की सिचुएशन में मुकाबला करना आना चाहिए, उसमें से कैसे भी करके ब्लेड या चाकू निकाल के रस्सी को काट सकते हो। दिमाग में तुम्हें और वीडियो दिखाऊंगी, उसमें तुम देखना किस तरह से लोगों ने मुंह में से निकाल के और मुंह से काट देते हैं, है ना, रस्सी कट जाएगी चाकू से। ये सब चीजें ध्यान रखना। फिर से सुन लो एक बार, किसी अजनबी से पहला नंबर किसी अजनबी से बात नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में। दूसरा नंबर ग्रुप में इकट्ठे होके आना है, ग्रुप में मिलकर आओ, अकेले मत आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज है, अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो मम्मी पापा से कहना कि स्कूल की डेट तक छोड़ दे, ठीक है। इकट्ठे होके आते हो, किसी एक के पेरेंट्स, जैसे चार बच्चे हैं, चार पेरेंट्स हो गए, चार मम्मी पापा हो गए, तो टर्न बना लो अपना, आज इसके मम्मी पापा छोड़ेंगे हमें, आज इसके मम्मी पापा छोड़ेंगे, तो सबको ऐसा दिक्कत भी नहीं होगी और एक एक करके यहाँ तक छोड़ सकते हो। तीसरी चीज है, चौथी चीज ध्यान से सुनो, किसी भी अजनबी से कोई खाने या पीने की चीज गलती से भी नहीं लेनी है, ठीक है, किसी भी अजनबी से। पांचवी चीज, अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती ये कहता है कि मम्मी या पापा ने बुलाया तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाओगे, जब तक उसे जानते नहीं होते। छठी चीज, अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती घसीट के अपने वाहन पे या मोटरसाइकिल कार किसी भी चीज में धकेल के बैठाने की कोशिश करता है तो शोर मचाओगे, ठीक है, हाथ पैर मारोगे, ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगे जिससे कि लोग इकट्ठे हो और तुम्हें बचा सके, ठीक है। चीज अपने बैग में जो तुम कैरी करोगे, जैसे मिर्च पाउडर, नमक पाउडर, है ना, ब्लेड, पेन, पेंसिल, इनका इस्तेमाल तुम इमरजेंसी सिचुएशन में अपने बचाव के लिए करोगे। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बीच में कहीं भी नहीं रुकोगे, किसी भी फ्रेंड के घर नहीं जाओगे जब तक मम्मी पापा को नहीं बता देते हो, ठीक है। स्कूल से सीधे कहाँ जाना है, गलती से भी ये नहीं कि किसके यहाँ सहेली क्या आनू मैं, किसके यहाँ होके चली जाऊँ, मम्मी पापा की जानकारी के बिना कहीं भी नहीं जाओगे, ठीक है। अगर कहीं जाते हो, मार्केट जाते हो या कोई सामान खरीदने जाते हो, तो हमेशा किसी बड़े के साथ जाना, ठीक है। अकेले बच्चे नहीं जाएंगे मार्केट में, भीड़ भाड़ वाली जगह में, हमेशा कोई बड़ा होना चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, ये तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, ठीक है। मैं अगली क्लास लूंगी तो तुम लोगों को बताऊंगी कि गुड टच और बैड टच, स्पेशली लड़कियों के लिए। गुड टच, गुड माने अच्छा, टच माने छूना,
ठीक है, और बैड टच बुरा छूना, मतलब आपकी बॉडी जो है इसको इसमें कहाँ कहाँ हाथ लगाने पे गुड टच होता है और कहाँ कहाँ हाथ लगाने पे बैड टच कहते हैं, ठीक है। अगली क्लास में ये बताऊंगी, बहुत जरूरी चीज लास्ट में बता रही हूँ। सारे बच्चे अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, घर का एड्रेस और अगर पापा के पास फोन नंबर है तो सब याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। और लिखना भी आना चाहिए, वो तुम्हारा कब काम आएगा, किस सिचुएशन में काम आएगा, अगर तुम कहीं खो जाते हो या तुम्हें कोई ले जाता है पकड़ के और तुम्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है तो तुम किसी भी, या तो अगर पुलिस वाले मिल जाते हैं तो उन्हें, या फिर और कोई अंकल आंटी मिल जाते हैं उन्हें अपने पापा का नाम, घर का एड्रेस, फोन नंबर अगर याद होगा तो फोन करवा सकते हो, है ना। कहीं भी खो जाओ ऐसी सिचुएशन में ये चीजें काम आती है, ठीक है। तो अगर फोन नंबर है, सबसे इमीडिएट चीज बता रही हूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी चीज, अगर आपके घर में किसी के पास भी फोन है तो फोन नंबर रट लेना सारे बच्चे। कहीं चले जाते हो, खो जाते हो, किसी से हेल्प मांग सकते हो और फोन करवा सकते हो, ठीक है। पापा का नाम, मम्मी का नाम और अपने घर का पता, ये गांव का नाम और अपने जिले का नाम क्या है, बरेली, ठीक है। ये सब चीजें याद करके रखो, ये कभी भी भूलना मत। कभी भी किसी मुसीबत में फंसते हो, ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो अपने आप को बचा सकते हो, है ना। आई समझ में सृष्टि, मेले में गई, खो गई, अब तुम्हें अपने घर का फोन नंबर याद है, है ना, तो वहाँ किसी से करवा सकती हो ना फोन, पापा को भी आओ हमें ले जाओ, हम यहाँ पे खड़े हैं। सबको याद होना चाहिए।